बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान आने वाले हैं, मैं आपके लिए नई डिश लेके आई हूँ, चावल के पकोड़े। चलते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक पाव चावल है, दो अंडे हैं, थोड़ा सा पुदीना है, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया है, छह हरी मिर्चें कटी हुई हैं, एक चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ है, एक चम्मच ज़ीरा है, दो चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, एक चम्मच नमक है। ये देखें, चावल को मैं सबसे पहले धो के इसको बॉईल करने रखूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैंने चावल को धो के उबलने के लिए रख दिए हैं। अब मैं इसमें एक चम्मच जो नमक रखा है ये भी मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको 15 मिनट तक उबालूंगी। 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल खुशक हो जाएंगे। 15 मिनट के बाद उतार लूँगी। ये देखें, 15 मिनट हो चुके हैं, चावल का पानी एकदम खुशक होने पर आ गया। ये देखें, अब इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। ये देखें, मैंने इसको दम पे रख दिया है, चूल्हा स्लो करके, बिल्कुल स्लो करके मैंने रख दिया। स्लो में बिल्कुल सही हो जाएंगे चावल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये 15 मिनट हो चुके हैं, चावल दम पे हो गए। देखें इसको सबसे पहले, ये देखें बिल्कुल चावल दम पे हो चुके हैं। हम इसको निकाल लई कटोरे में। देखें, इस बाउल में मैं निकाल के सबसे पहले इसको ठंडा करने रखूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो चावल मैंने निकाले थे ठंडे करने लिए, ठंडे हो गए चावल। ये देखें, सबसे पहले इसके अंदर मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, हरी मिर्चें डाली हैं, कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा पाउडर, ये देखें कटा हुआ पुदीना, धनिया। अब ये नमक रखा हुआ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्यों पहले भी मैंने इसमें डाला हुआ था नमक। अभी ये अंडे हैं, अंडे ये देखें, अब इसको अच्छी तरीके से चम्मच के साथ मैं इसको मिलाऊंगी। ये देखें, इस अच्छी तरीके से इसको मिलाऊंगी चम्मच के साथ और फिर इसको फ्राई करूंगी। ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरीके मिक्स करके रख लिया। अब इसको मैं पकोड़े फ्राई करके दिखाऊंगी। ये हमने तेल गरम करने रख दिया है, जब तेल गरम हो जाएगा हम पकोड़े फ्राई करके दिखाऊंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये तेल गरम हो चुका है, ये मैं इसमें पकोड़े डाल ली हूँ। ये बहुत आसान रेसिपी है, ये रमज़ान में और जल्दी आसानी से बन भी जाते हैं। ये रमज़ान में अफ्तारी में भी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं देखें किस तरह गोल्डन गोल्डन हो रहे हैं। ये बहुत आसान रेसिपी है, ये हम रमज़ान में भी बना सकते हैं। रमज़ान भी आने वाले हैं, उसकी डिश में पहले ही से डाली हूँ पकौड़ों की। ये रेसिपी घर पे बना के तैयार करें। ये देखें, तैयार हो चुके हैं, इसको निकाल लेंगे। कितने खूबसूरत गोल्डन गोल्डन बने। कितने खूबसूरत गोल गोल बन रहे हैं। नई डिश बोल, ये देखें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है पक के इसमें से, और ये पक के तैयार हो चुके हैं। कितने मज़ेदार खुशबू इसकी। ये देखें, पक के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। कितने मज़ेदार इसे खुशबू वाले बने चने के चावल वाले पकोड़े। ये देखें, गोल्डन गोल्डन कितने खूबसूरत निकल रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चावल के पकोड़े बन गए, बिल्कुल तैयार हैं।